आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों प्रणाम। मैं बहुत दुखी मन से आज ये बात कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि हमारे देश में अंधे बहरे और गूंगे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो लोग शारीरिक रूप से वाकई अंधे हैं, नहीं देख पाते हैं, गूंगे हैं, नहीं बोल पाते हैं या नहीं सुन पाते हैं, वे लोग तो सहानुभूति और सम्मान के पात्र हैं। उनके प्रति मेरी बहुत गहरी सहानुभूति और सम्मान है। मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कह रहा हूं जो सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बावजूद वे जानबूझ करके या उनकी आदत में अंधापन शुमार हो गया है, गूंगापन शुमार हो गया है, बहरापन शुमार हो गया है। जो भौतिक रूप से अंधे नहीं है, शारीरिक रूप से अंधे नहीं है, बहरे नहीं है, गूंगे नहीं है, लेकिन स्वभाव से अंधे बहरे गूंगे हैं, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा मुझे बार बार अब एहसास हो रहा है, क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा है कुछ चीजों का। कोरोना वन के बाद में कोरोना टू आने से पहले जनवरी 2021 में चेन्नई में मेरे 3 हेल्थ केयर सेमिनार हुए और तीनों हेल्थ केयर सेमिनार में जनवरी 2021 के अंतिम सप्ताह में 3 हेल्थ केयर सेमिनार मेरे चेन्नई में हुए थे। और उन तीनों हेल्थ केयर सेमिनार्स में मैंने बड़े बड़े चार्ट बना करके और लोगों को बताया था कि ये जो कोरोना के अंदर देश भर में जो दवाइयां दी जा रही है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से स्क्रीन पर, ये जो दवाइयां दी जा रही है ये दवाइयां घातक हैं। मैंने वहां तीनों हेल्थ केयर सेमिनार्स में बड़े बड़े चार्ट बना करके इस बात को कहा था कि चेन्नई के लोग गवाह हैं जो उस हेल्थ केयर सेमिनार में थे। तीनों हेल्थ केयर सेमिनार में सब मिला करके 1000 लोगों से ज्यादा थे और तीनों ही हेल्थ केयर सेमिनार में मैंने बड़े बड़े चार्ट बना करके और अपना प्रेजेंटेशन दिया था कि ये जो कोविड के अंदर ये सारी दवाइयां दी जा रही है ये शरीर के लिए आपके लिए घातक हो सकते हैं, ये जो इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं ये घातक हो सकते हैं, और आप सीटी स्कैन, पेट स्कैन जो करवा रहे हैं ये कैंसर का कारण बन सकते हैं और भविष्य में आपका शरीर कैंसर का शिकार हो सकता है, आपके लंग्स खराब हो सकते हैं, आपकी किडनियां खराब हो सकती हैं, आपको हार्ट फेल हो सकता है। और मैंने उनके सारे के सारे सबके साइड इफेक्ट्स भी बताए लोगों को, सारे लोगों को मैंने सारे साइड इफेक्ट्स, हर टेबलेट के, हर मेडिसिन के, हर इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स बताए और चैलेंज पूर्वक बताए। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई लुका छुपी का खेल किया हो, ओपनली सारा कुछ बताया है। उसके बावजूद जो लोग संभल गए बच गए, लेकिन जो लोग नहीं संभले आज उनमें से बहुत सारे लोग इन सब बीमारियों के शिकार हैं, उनके शरीर जर्जर हो गए, शरीर कमजोर हो गए हैं। न केवल वहां, देश भर में यही हालत है। और इसी तरह से मैंने 9 मार्च को मैंने कार्डियक अरेस्ट पर एक वीडियो डाला। मुझे नहीं मालूम है कि आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, लेकिन 9 मार्च 2023 अभी ये जो गई हुए एक महीना पहले 9 मार्च 2023 को मैंने कार्डियक अरेस्ट पर एक वीडियो डाला, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से हंसते गाते नाचते लोग दम तोड़ देते हैं, गिर जाते हैं और दम तोड़ देते हैं, क्यों उनका खून गाढ़ा हो करके और क्यों उनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है या हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये सारी की सारी परिस्थितियां बताने के बावजूद मुझे नहीं मालूम है उस वीडियो को क्यों नहीं देखा गया या कितने लोगों ने देखा या कितने लोगों ने उसको अपनाया और कितने लोगों ने शेयर किया, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण वीडियो है
जिसकी कोई हद नहीं। उसके अंदर मैंने बाकायदा सीपीआर कैसे देना चाहिए, डॉक्टर आभा मेरी दोहिती के साथ में मैंने वो वीडियो बनाया, डॉक्टर आभा ने बाकायदा सीपीआर देना सिखाया उसमें कि किस तरह से आप कार्डियक अरेस्ट से बच सकते हैं और किस तरह से आपको सारी चीजों का पालन करना चाहिए, सारी चीजों का सावधानी बरतनी चाहिए। मुझे खुशी है, सुकून है तो इस बात का है कि कल परसों 8 अप्रैल को मेरा वीडियो है 9 मार्च का, एक महीने पहले का, और 8 अप्रैल के दैनिक भास्कर में पूरा का पूरा डॉक्टर्स का एक सर्वे आया है जिसमें डॉक्टर भास्कर ने, भास्कर के प्रतिनिधियों ने 50 बहुत अच्छे नामी डॉक्टरों से बात की और सबके मुंह पर जो है ये कोविड का जो है असर देखा गया है कि कहीं कहीं उनके मन में, कहीं कहीं दबे विचारों में कोविड है कि कोविड के कारण, कोविड के बाद ये सारी की सारी परिस्थितियां बिगड़ गई है और ज्यादा फैल रहा है। ये एक सर्वे दैनिक भास्कर जो देश का सबसे बड़ा हिंदी का अखबार है उसके अंदर ये सर्वे है परसों का, 8 अप्रैल का, आज 10 अप्रैल है। और मुझे इस बात का भी सुकून है कि आज 10 अप्रैल के दैनिक भास्कर के अंदर ये खबर है जिसमें भारत सरकार ने भी इस बारे में चिंता व्यक्त की है, स्वास्थ्य विभाग ने, स्वास्थ्य निदेशालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि यह सब हो रहा है और कोविड के बाद में इसकी कहीं कहीं जो है इसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। तो उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई है, जांच कमेटी से क्या होगा नहीं होगा, क्या नतीजे आएंगे क्या नहीं नतीजे नहीं आएंगे, मैं उसके बारे में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज ये 10 अप्रैल की खबर है, 9 अप्रैल को उन्होंने कमेटी बनाई है भारत सरकार ने, जबकि 7 अप्रैल को ही हमारा जो वीडियो है वो वीडियो है लंग्स हार्ट किडनियां सब खतरे में और कैंसर बुरी तरह से फैल रहा है, कोविड का असर है और कैसे है वो भी मैंने उसमें बताया कि किस तरह से पेट स्कैन किए गए, किस तरह से सीटी स्कैन किए गए, किस तरह से डायबिटीज को कंट्रोल किए बिना हैवी स्टेरॉइड्स दिए गए, इस तरह की बहुत सारी चीजें मैंने बताई है उस वीडियो में। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है, जैसा मैंने कहा कि हमारे देश की अधिकांश जनता गूंगी बहरी और अंधी होती जा रही है क्योंकि उन्हें यह भान ही नहीं है। और ये सब लोग उस समय में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए, आपका ये कर दीजिए, हमें मिलना है, आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है, आप मेरी वीडियो देखिए ना, वीडियो देखिए, वीडियो में मैंने हर चीज बताई है। क्यों आपको मोबाइल नंबर ही चाहिए, मोबाइल नंबर से आप लोग मेरे कितना परेशान करते हैं मुझे मालूम है, रात में 12, 1, 2, 3 बजे भी लोग फोन कर रहे हैं और एक बार फोन ना उठाओ, कुछ काम में लगे हुए हो या खाना खा रहे हो या और कोई काम कर रहे हो या कोई पेशेंट देख रहे हो तो फोन पे फोन घंटी पे घंटी देते रहते हैं लोग। इतना भी उनमें विवेक नहीं है जो उनको बार बार बोलते हैं कि भाई आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, जैसे मैं फ्री होऊंगा जवाब जरूर दूंगा। जब मैं यूट्यूब पर भी हर सवाल का जवाब दे रहा हूं तो व्हाट्सएप पर क्यों नहीं दूंगा, और दे रहा हूं, मैं सबको दे रहा हूं, चाहे मैं कोई काम पेंडिंग छोड़ करके सोता ही नहीं, रात कितनी भी बज जाए तब भी मैं हर सवाल का जवाब देता हूं। लेकिन आप पालन करिए ना, चीजों का पालन नहीं करना, खाली सवाल पूछते रहना। और शेयरिंग में जब मैं मदद मांगता हूं कि भाई आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कितना बड़ा पुण्य का कार्य है, ये मेरा व्यापार नहीं है, YouTube पर वीडियो बना करके डालना मेरा व्यापार नहीं है, YouTube पर जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं वो विज्ञापन मेरे नहीं है, वो YouTube के हैं और YouTube एक कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट है, वो मेरे वीडियो इसलिए अपलोड करते हैं कि वो विज्ञापन के माध्यम से रेवेन्यू कमा सके। सबके वीडियो इसी तरह से डाले जाते हैं, सबके वीडियो में जो है विज्ञापन रहते हैं वो YouTube मैनेज करता है। तो आप इन सारी भ्रांतियों को दूर करिए, मन में भ्रांतियां मत रखिए,
कि मेरे कोई कमाई के लिए मैं यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा हूं या मुझे कोई मजा आ रहा है। आज 4.5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, ठीक है, लेकिन मेरे उस 4.5 लाख सब्सक्राइबर को अपना परिवार मानता हूं। लेकिन वे 4.5 लाख सब्सक्राइबर में से कितने लोग नियमित रूप से वीडियोस को देखते हैं और कितने लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे ब्रॉडकास्ट लिस्टें बनी हुई है, उन ब्रॉडकास्ट लिस्टों में मैं अपने वीडियो शेयर करता हूं, फेसबुक पर अपने वीडियो शेयर करता हूं, इंस्टाग्राम पर मेरे साथी वीडियो शेयर करते हैं। और मैं आपको भी निवेदन करता हूं, आपका भी यदि कोई फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम है और है कुछ भी है, तो आप जरूर मेरे वीडियो शेयर करिए। मुझे कोई रॉयल्टी नहीं चाहिए या मुझे किसी प्रकार का आप कमाई में हिस्सा दें, वो मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि चीजें ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो, लोगों तक पहुंचे, लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा लोग जाने कि क्या हो रहा है, हमें बचाव के लिए क्या करना चाहिए। मैंने हार्ट वाले कार्डियक अरेस्ट में भी कार्डियक अरेस्ट से कैसे बचा जाए पूरे उपाय बताए हैं। इसी तरह से इस समय में कोरोना फिर से देश में हल्ला मचा हुआ है कोरोना का, तो मैंने अभी जो वीडियो डाला है 7 अप्रैल को, जिसमें लंग्स हार्ट किडनी के ऊपर खतरा बताया है, ये लंग्स और हार्ट और किडनी पर जो खतरा बताया है उनसे कैसे बचा जाए वो भी मैंने साथ में बताया है। और उसका जो वीडियो है, उस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन का जो टेबल होता है अंदर वीडियो में, उस डिस्क्रिप्शन के टेबल में मैंने वो सभी वीडियो शेयर किए हैं जिन वीडियो को आप सुन करके और अपना अच्छा से अच्छा इलाज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे बहुत कड़वे शब्दों में कहना पड़ा है, अंधा बहरा गूंगा इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ा है, मैं माफी चाहता हूं उसके लिए बहुत दिल से। मुझे खेद है कि मुझे ऐसे शब्दों का, कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ा, लेकिन मैं अंदर से बहुत दुखी होकर के इन सारी चीजों का प्रयोग कर रहा हूं, इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। तो मैं हाथ फिर से आपको हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे जो भी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, लाखों लोगों को फायदा मिल रहा है। कल ही बिलासपुर की एक बहन का फोन आया, ठाकुर परिवार की एक बहन है, उनको कैंसर हो गया। बिलासपुर में पूरी जांचें वगैरह सारा हुआ, बायोप्सी हुआ, सीटी स्कैन हुआ, पेट स्कैन हुआ, और वो बॉम्बे रेफर की गई। तो बॉम्बे में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कैंसर का, वहां पर 4 दिन बाद ही, बिलासपुर में 4 दिन पहले पेट स्कैन सीटी स्कैन हुआ, और 4 दिन बाद ही वहां पर मुंबई में उनको कंपेल किया गया, बाध्य किया गया कि वो सीटी स्कैन करवाए। मैंने पहले एक वीडियो में जिक्र भी किया उनका। उन्होंने उसी समय में मुझसे संपर्क किया, वीडियो कॉल पर मेरी बात हुई उनसे, और मैंने उनको सारा का सारा समझाया, सारा का सारा प्रोसेस बताया, उनको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वो जो बहन है वो वहां से रातों रात रवाना होकर के और वापस से बिलासपुर चले गए, छुमंतर हो गए, गायब हो गए हॉस्पिटल से, भाग करके चले गए बिलासपुर। और बिलासपुर जा करके उन्होंने उन सारी चीजों को फॉलो किया जो मैंने बताई, और कल जब फोन आया उनके चेहरे का ग्लो देखते बनता था, कोई बीमारी का नामो निशान नहीं। 40 दिन से वो लगातार सारी चीजों को फॉलो कर रहे थे, और आज उनको कैंसर वेंसर या किसी बीमारी का नामो निशान नहीं। तो सोचिए जरा, कहीं तो दिमाग पर जोर लगाइए, ये कोई यूं छूमंतर या जादू मंतर थोड़े हो रहा है क्या, वाकई कुछ हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं हमें गोपनीयता के कारण सबका नाम नहीं बता सकते। सैकड़ों लोग कैंसर से मुक्त हो रहे हैं, डायबिटीज से मुक्त हो रहे हैं, बीपी से मुक्त हो रहे हैं, थायराइड से मुक्त हो रहे हैं, चर्म रोगों से, जो लोग 5-5, 10-10 साल 15-15 साल इलाज करवा रहे थे और ठीक नहीं हो रहे थे, आज वो चर्म रोग से पूरी तरह मुक्त हो रहे हैं। तो वीडियोस को पूरा ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर से मैं दोबारा से लोगों को, आम जनता को, अधिकांश लोगों को अंधा बहरा गूंगा लगड़ा कहने से मैं माफी चाहता हूं। मेरी भावना वो नहीं है, मेरे अंदर का दर्द है
उस दर्द के कारण मैंने ऐसा बोला है कि हमारे देश की अधिकांश जनता जो है अंधी बहरी गूंगी हो गई, जो न देखना चाहती है, न सुनना चाहती है, न बोलना चाहती है और न शेयर करना चाहती है। कृपया अच्छे और उपयोगी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, आपका कुछ भी नहीं लगता है उसमें, 5 मिनट 10 मिनट का वक्त लगता है कॉपी करके पेस्ट करना है। तो ये करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। धन्यवाद।